मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पोजीशन। तो बात करें गाइस इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन कंप्लीट करा दी जा चुकी है। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको जाके देख लीजिए। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पोजीशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो है ये, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, या किसी भी तरह का कंपिटेटिव एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारा आज का लेक्चर। देखिए गाइज, हम लोग मान के चलते हैं कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। मान लीजिए हमको इस पॉइंट पी पर निकालना है, इस पॉइंट पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं और यहाँ पर हम रेजोल्यूशन लेके चलते हैं, दिखाते हैं गाइज आपको फिगर। तो देखिए गाइज, ये AB जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लीजिए हमको इस पॉइंट सी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और A से लेके C तक का दूरी हम R मान के चल रहे हैं गाइस, और AB का जो दूरी है वो डाइपोल लेंथ वो तो 2L होता ही है, हमको पता है। इसलिए A से O तक का दूरी L और O से B तक का दूरी L। अब गाइस हम लोग एक काम कर सकते हैं कि पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा इसको हम दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए गाइस, ये मान लीजिए C है और सी पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम क्लास 11 में पढ़े थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें तो ये जो सी है इस पॉइंट पर दो हिस्से में टूट जाएगा, एक हो जाएगा मान लीजिए C1, एक हो जाएगा C2। इसी प्रकार से इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दो हिस्से में तोड़ दिए हैं, एक हो गया E1, एक हो गया E2। इसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे गाइज। थोड़ा सा लेक्चर अगर आज लंबा हो जाए तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट सी की, तो अगर हम इस फिगर को इस तरह ड्रॉ करें और इसको हम सी माने, तो ये हमारा हो जाएगा E2 और ये हमारा हो जाएगा E1, दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच। तो इस पॉइंट सी के लिए अगर देखा जाए तो ये जो E1 पॉइंट है वो उसी लाइन में है जिस लाइन पर पॉइंट सी है, मतलब E1 कौन सा पोजीशन है, एक्सियल। जो एक्सियल के बारे में नहीं देखे हैं वो जाके पिछले देखिए, हम एक्सियल का मतलब यही बताए थे कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी लाइन पर निकालना है जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है उसे हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और यहाँ पर जिस लाइन पर मेरा पॉइंट सी रखा हुआ है उसी लाइन पर हमको E1 मान लीजिए निकालना है, तो इसे हम कहेंगे एक्सियल पोजीशन फॉर E1। और लेकिन हम E2 की बात करें तो जो E2 है इससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं C पर, तो हम लोग बोलेंगे कि जो E2 है वो परपेंडिकुलर पोजीशन पर है। एक चीज़ और बच्चे, कि हम लोग एक्सियल पोजीशन के लिए E बराबर निकाले हैं 2kp/r³। ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा, हम लोग इक्विटोरियल के लिए निकाले हैं kp/r³। ये ध्यान में रखना है आपको इसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं, बेसिकली इसको पार्ट थर्ड समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और वो दोनों पार्ट जा करके बेसिकली आप देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। और अभी इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो बने रहिए, पूरा समझ में आएगा, उसके बाद एक बार उसको देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, इस एंगल को हम थीटा मान के चल रहे हैं, तो इधर हो गया कॉस थीटा। इसलिए क्योंकि याद कीजिए हम पढ़े थे वेक्टर में कि मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा जिस एक्सिस के साथ रहता है उधर कॉस बनता है, और उसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उधर बनता है साइन गाइस। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो इधर थीटा इसलिए इधर कॉस थीटा, देखिए थीटा इधर नहीं था इसलिए इधर हो गया साइन थीटा गाइस।
उसी तरह सिमिलरली ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल इस प्रकार से जो मेरा ई वन है वो कॉस थीटा हो जाएगा और ई टू जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। देखिए गाइस, हम लोग मान के चले हैं कि ए बी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, 2L डायपोल लेंथ है और सी वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। अब अगर हम यहां पर देखें तो सी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, एक हो गया ई वन एक हो गया ई टू। अब हम ई वन ई टू को बारी बारी से निकालेंगे और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो फाइनली मेरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे इस ई वन के बारे में, तो जो ई वन है वो सी पॉइंट के लिए एक्सियल पोजीशन पर है। अभी आपको हम समझाए थे कि ई टू इक्विटोरियल पर है, ई वन एक्सियल पोजीशन पर है, और हम लोग सब जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। अब यहाँ देखिए एक्सियल किसको मान के चले, ई वन को, तो ई वन इक्वल टू होगा 2kp/r³। अभी तक ध्यान में रखिएगा गाइस कि ई वन बराबर हम निकाले हैं 2kp/r³। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा थीटा होगा, और चूंकि ये थीटा है इसलिए E1 की तरफ कॉस थीटा और E2 की तरफ साइन थीटा, क्योंकि हम बताए थे कि जिधर थीटा होता है उधर बनता है कॉस थीटा। तो बेसिकली यहाँ E1 की तरफ क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो इसीलिए रिजल्टेंट हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 2kp cos θ/r³। तो देखिए गाइस E1 बराबर आया 2kp cos θ/r³। E1 बराबर तो होता एक्सियल के कारण 2kp cos θ/r³। ये cos थीटा क्यों आया, क्योंकि इस पॉइंट C पर हम इसको थीटा माने थे और इधर E1 था इधर E2 था, इसलिए यहाँ हो गया cos थीटा। E2 के जगह भी आएगा sin थीटा, आप देखते जाइएगा। अब देखिए गाइस अगर हम बात करें इस पॉइंट C पर, इधर हम माने थे E1, इधर था E2, ये था थीटा, इसलिए E1 की तरफ हो गया कॉस थीटा। अब E2 की अगर हम बात करें तो इसको देखिए, ये पॉइंट C है और इसी लाइन में E1 है, मतलब ये E1 जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है और E2 जो है वो इक्विटोरियल। जो बच्चे नए हैं वो एक चीज़ ध्यान में रखें कि एक्सियल का मतलब सेम लाइन और इक्विटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर। जो पोजीशन परपेंडिकुलर पर होगा उसे हम बोलेंगे इक्विटोरियल पोजीशन, और जो सेम लाइन मतलब उसी लाइन जिस लाइन पर मेरा पॉइंट रखा हुआ है उसी लाइन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे इसे कहेंगे एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल के लिए हम लोग ई1 निकाल चुके हैं, अब ई2 जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन के लिए है, और चूंकि यहाँ थीटा था इसलिए इधर हो गया कॉस थीटा, इधर अब हो जाएगा साइन थीटा। अब ई2 जो है इक्विटोरियल पोजीशन पर है, इसलिए इक्विटोरियल पोजीशन का जो फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू kp/r³। और यहाँ E2 निकाल रहे हैं और E2 की तरफ क्या था साइन थीटा, इसलिए E2 बराबर kp sin θ/r³। तो देखिए बच्चे E2 बराबर आया kp sin θ/r³। अब रिजल्टेंट अगर निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट C पर तो उसका फार्मूला होगा गाइस, याद कीजिए हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे कि जो फार्मूला होता है वो होता है c² a² b² 2ab cos θ। यहाँ पर a बराबर है E1, b बराबर है E2 और कॉस थीटा की जगह दिखाते हैं क्या है, और रिजल्टेंट की जगह हम मान के चलेंगे E। थीटा की जगह बेसिकली यहाँ थीटा 90 डिग्री है, देखेंगे कैसे। देखिए गाइस पॉइंट C पर अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है 90 डिग्री, इसलिए जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए e² 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 2e² e² cos θ। अगर हम थीटा की जगह 90 डिग्री बैठाएंगे इस तो हम पाएंगे, देखिए गाइस हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए e² 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 2e² e² cos 90। और cos 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है 0। अब देखिए e² e² 2 अब अगर हम E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर का वैल्यू बैठाएं, हम अगर E1 के जगह इसको बैठाएं और E2 के जगह इसको बैठाएं, इसको बेसिकली इक्वेशन 1 और 2 मान के, तो हम पाएंगे गाइस कि e² बराबर k 2p cos θ / r³ का होल स्क्वायर E1 का वैल्यू
और ई टू की जगह के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों टर्म में देखें तो हम देखेंगे कि के पी पी बाई आर क्यूब कॉमन है, लेकिन किसके साथ, स्क्वायर के साथ कॉमन निकालेंगे। यहां पर बचेगा 2 कॉस थीटा स्क्वायर के साथ प्लस साइन थीटा स्क्वायर के साथ। अब देखिएगा ई स्क्वायर बराबर के पी बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इस ई स्क्वायर बराबर के पी बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, और यहां देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम बात करें गाइस कि 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसलिए ई स्क्वायर बराबर के पी बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर हम बात करें गाइस यहां से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर हटने पर, और रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो बेसिकली ये जो हमारा इक्वेशन है वो बन जाएगा E is equal to KP by R cube under root 3 cos square theta plus 1। Basically यही हमारा required expression है, लेकिन इसको अगर मेरा 5 marks state board वालों के लिए, अगर CBSE board वालों के लिए 4 marks में पूछेगा तो थोड़ा सा इसको और explain करेंगे और हम थोड़ा आगे चले जाएंगे। चूंकि गाइस हम लोग जान रहे हैं कि ये जो निकला है वो जनरल पोजीशन के लिए निकला है, मतलब ये जो है सेटिस्फाई करना चाहिए मेरा एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन को भी, और क्योंकि जनरल का मतलब होता है कहीं भी, अगर हम कहीं भी निकाल दें और उसकी मदद से एक्सियल और इक्विटोरियल निकालना चाहें तो वो भी निकालना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जनरल पोजीशन का जो हम निकाले हैं कि एक्सप्रेशन सही है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि वाकई में ये सही है या नहीं, इस कंडीशन से हम एक्सियल या और इक्विटोरियल का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। देखिएगा गाइस मान लीजिए कि ये जो पॉइंट था सी यहाँ पर था, ई वन यहाँ पर था, ई टू, और ये बीच में इसका था रिजल्टेंट, ये थीटा था इसलिए ई वन के साथ कॉस थीटा, और ये एक्सियल पोजीशन के साथ था इसलिए एक्सियल पोजीशन का जो फॉर्मूला लग रहा था 2 के पी बाय आर के पावर 3, और उसी तरह से इधर थीटा नहीं था इसलिए साइन थीटा, और ये इक्विटोरियल पोजीशन था इसलिए इसका फॉर्मूला लग रहा था के पी बाय आर के पावर 3। गाइस तो देखते हैं इसको, तो ईवन जो है एक्सियल पोजीशन के लिए है, आप देखिए ध्यान से सी और ई दोनों एक ही लाइन पर है। अब जब दो वेक्टर क्वांटिटी दोनों एक ही लाइन पर होते हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री। अब देखिए गाइस एक्सियल पोजीशन के लिए अगर निकालें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, हमारे पास अभी एक्सप्रेशन आया है ई इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम इस थीटा की जगह 0 डिग्री बैठाएं तो हम पाएंगे E is equal to KP by R cube under root 3 cos square 0 degree plus 1, तो हमारा जो इक्वेशन है वो फाइनली बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और 3 1 जा 3 और प्लस 1 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 3 जा 3 प्लस 1 4, मतलब E is equal to KP R cube under root 4। और अगर हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 2, इसलिए E बराबर 2 के पी बाय आर के पावर 3। यही एक्सप्रेशन एक्सियल के लिए होता है, मतलब ये जो जनरल पोजीशन का इक्वेशन है ये एक्सियल के लिए भी मान्य है, मतलब ऊपर दिया गया इक्वेशन जो है एक्सियल को भी सेटिस्फाई करता है। अब अगर हम बात करेगा इस इक्विटोरियल पोजीशन के लिए, तो इक्विटोरियल पोजीशन के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, देखेंगे कैसे। देखिए गाइस मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, यहाँ पर निकालना है ई टू, ये पॉइंट था सी, मान के चलते हैं ये जो पॉइंट था ये था सी, यहाँ पर था ई वन, एक मिनट रुकिए, देखिए ये सी पॉइंट है, यहाँ पर है ई वन, यहाँ पर है ई टू, ये सेम लाइन एक्सियल, और ये जो है यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करें तो इस पोजिशन को परपेंडिकुलर पोजिशन बोलेंगे। इस कंडीशन में थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब हम जानते हैं गाइस कि E बराबर होता है के पी बाई आर के पावर 3 अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1।
और हम लोग सब जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 प्लस 1 1, मतलब इज इक्वल टू kp बाय rq अंडर रूट 1। और हम सब जानते हैं कि अंडर रूट 1 का वैल्यू होता है 1, इसीलिए e बराबर kp बाय rq, यही जो है इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस तरह से अभी तक हम लोग जो बेसिकली प्रीवियस 3 लेक्चर्स पढ़े हैं, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पोजीशन, इससे हमारा क्वेश्चन बनता है गाइस। पहला क्वेश्चन बनेगा एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल, जो आप हमको बना के दिखाइएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक्सप्रेशन फॉर इक्वेटोरियल, जो आप हमको बना के दिखाइएगा। और तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्रेशन फॉर जनरल, जो आप हमको बना के दिखाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनेगा डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन बाय यूजिंग जनरल पोजीशन, मतलब जनरल पोजीशन को पूरा निकालना है और उसका जो डिस्कशन था एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला वो भी निकालना है। अब देखिएगा इस बेसिकली इस आंसर को कहाँ रखना है, तो फेसबुक में ग्रुप प्रोवाइड करवाया गया है, उस ग्रुप में आपको आंसर पोस्ट करना है, हम आपको डिजिटली साइन करके उसमें दे देंगे। लेक्चर अगर पसंद आता है गाइस तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया इसका कारण भी ज़रूर बताइए। जो बच्चे नए थे अभी तक चैनल में, उनको समझ में आया है या नहीं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार पूछिए, हम आपका डाउट लेक्चर लेंगे फिर से, अगर दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो। और बेसिकली अगर आप पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, अगर पसंद आता है गाइस तो फेसबुक व्हाट्सअप कहीं पर भी शेयर कर दीजिए और हमारी फैमिली को बड़ा करने में मदद कीजिए और दूसरों की भी मदद कीजिए जो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर में, वो भी ताकि अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।